पिछले तीन दशक बिहार में लालू जी और नीतीश जी का राज रहा है। पहले 15 साल लालू जी और फिर अभी 14-15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि पहले 15 साल जिस समय उनका राज रहा, उस समय सामाजिक न्याय की बात हुई, जो समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको उनकी सरकार ने आवाज दी। उसके बाद के 15 साल 2004 के बाद से जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्होंने आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और बिहार का विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो जो लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है उसमें कुछ सच्चाई जरूर है और जो वो दावा कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में वो रास्ता आपको वहां पर नहीं पहुंचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों, ये राज्य पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने का की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की जरूरत है।